यूपी की विधानसभा में विस्फोटक मिलने के बाद एनआईए की जांच जारी है, लेकिन फिलहाल कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। इस बीच यूपी विधानसभा की सुरक्षा को लेकर एटीएस ने एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। देखिए संवाददाता पंकज झा की रिपोर्ट। यूपी विधानसभा में मॉक ड्रिल शुरू होने में थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन आपको बताता हूँ बदलाव कैसे कैसे हुआ है। ये देखिए, रेत की बोरियां डाली जा रही हैं और ये बुलेट प्रूफ पोस्ट बनाया है गया है कि अगर ये जो गेट नंबर 7 है, यहाँ से अगर कोई आतंकी हमला करता है तो फिर उसके लिए एक बुलेट प्रूफ पोस्ट बना दिया गया। आगे बढ़ेंगे, एटीएस के कमांडो यहाँ पर चहलकदमी शुरू कर ली है। चारों तरफ ये जो विधानसभा की बिल्डिंग है उसके चारों तरफ एटीएस के कमांडो अभी मॉक ड्रिल के लिए मुआयना कर रहे हैं। हर तरफ से एटीएस के एसपी और तमाम यहाँ पर सचिवालय सुरक्षा में लगे हुए लोग, यूपी पुलिस, ये सब आ गए हैं। आप देखिए, एक एक गेट की घेराबंदी की गई है और फिर तैयारी आज इस बात की है इस मॉक ड्रिल की कि किस तरीके से एक अलार्म बजेगा, जैसे बताया जाएगा पहले डीब्रीफ किया जाएगा यानी लोगों को कि इस तरीके से आज किस तरीके से मॉक ड्रिल करना है, फिर एक उनको टास्क दिया जाएगा। जैसे आप कहते हैं ना कि जब एक ग्रुप डिस्कशन में होता है, आपने कोई टॉपिक दिया है उस पर डिस्कशन होते हैं, उसी तरीके से मॉक ड्रिल में एक उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से आतंकी हमला हो सकता है और फिर उसके बाद टेस्ट किया जाएगा। विधानसभा की बिल्डिंग के अंदर में ये एटीएस के कमांडो अंदर की तरफ चले हैं, हम भी चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से क्या होता है यहाँ पर। और आपको दिखाते हैं, ये मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है और आपको जो बता रहा था मैं कि जो PETN होता है और PETN जो विस्फोटक मिला हुआ था, उस PETN विस्फोटक को आपको बताऊं कि मेटल डिटेक्टर में वो नहीं पकड़ा जा सकता है। जो स्कैनर लगा होता है हैंड मेटल डिटेक्टर, उसमें भी नहीं पकड़ा जा सकता है क्योंकि वो प्लास्टिक होता है। तो यूपी विधानसभा में सुरक्षा के मॉक ड्रिल आपने देखी, ताकि सुरक्षा में चूक की कोई गुंजाइश ना रहे। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।